हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप कलन का आज अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो आपको पता है कि डेली हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले चर्चा करते हैं और क्या है उसके अगले क्वेश्चन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज चलिए एक दो फार्मूला अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो आज का फार्मूला है दोस्तों हमारा लॉग ए एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला था एक बटे एक्स log ae। इस फार्मूला को आप क्या कर ले, याद कर ले, ठीक है, इस फार्मूला को याद कर ले दोस्तों। और यदि मैं बात करूं, यदि बात करूं दोस्तों cot x का फार्मूला, तो आप लोगों को पता होगा इसका माइनस cosec square x कितना होता है, माइनस cosec square x, ठीक है। और यदि cosec x की बात करूं, cosec x, cosec x तो माइनस cot x इनटू cosec x, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। और बाकी दोस्तों साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स, sec एक्स का sec एक्स इनटू टेन एक्स, ये फार्मूला मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में। तो चलिए आज पुनः क्वेश्चन लेकर आए हुए दोस्तों, उन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करते हैं। कल मैंने ये फार्मूला आपको बताया था कि डी अपॉन डी एक्स, यदि आपके पास पहला फलन दूसरा फलन हो तो क्या करना पड़ता, पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन और पहले का अवकलन, ये होता है दोस्तों। आप पहला दूसरा किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके पास एक दोस्तों फार्मूला हो गया, एक सॉरी एक सवाल हो गया कि y इक्वल है दोस्तों x के पावर 5 cosec x, ठीक है ना, ये आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब इसको क्या करना है, अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। चलिए कर दीजिए अवकलन, कर दीजिए dy upon dx हो जाएगा, और यहां दोस्तों d upon dx हो जाएगा x के पावर 5 cosec x हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, जब दो फलन हूं, यहां पर आपको दिख रहा है दो फलन, तो पहला फलन x के पावर 5 d upon dx दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन और पहले का अवकलन, योग है x के पावर 5। अब इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, x के पावर n का अवकलन क्या होता है, nx n minus 1, ठीक है, nx के पावर n minus 1, मतलब इसका तो होना नहीं दोस्तों। cosec x का क्या हो जाएगा, cosec x का मैंने अभी इसके पहले बताया, माइनस में होता है cosec x into cot x या cot x into cosec x, कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये cosec x बाहर है, कोई दिक्कत ही नहीं, x के पावर 5 तो 5 सामने आ जाएगा और 5 में 1 कर देगी घटा देगी, ठीक है, सिंपल है। अब दोस्तों x के पावर 5 है, माइनस सामने आ जाएगा cosec x into cot x, यहां पर कितना दोस्तों, तो cosec x है ये आपके पास और 5 है दोस्तों x के पावर 4 है। चाहिए तो दोस्तों वैसे आंसर यही है, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x पावर 5, x पावर 4 का मान आ जाएगा, cosec x दोनों में तो cosec x का मान आ जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ माइनस और एक x बचेगा और यहाँ पर cot x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अभी छोटे हैं दोस्तों, इसलिए इनका सोल्यूशन भी छोटा होता है। अपन धीरे धीरे लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों, तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें सर, अभी तो इजी बता रहे हैं, इजी है मैं मानता हूँ, लेकिन जो पहली बार देख रहा होगा दोस्तों उसके लिए यही कठिन है, ठीक है ना, तो उनके लिए यही है, समझ में नहीं आता होगा, पूरा त्रिकोणमिति लगता है दोस्तों अवकलन में, इसलिए अभी आप इन चीजों को समझे। छोटे छोटे अपन पहले क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद बड़े क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं ये छोटे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आपके पास है, आपके पास है 7 log x, ठीक है, मैं बुक से ही क्वेश्चन उठा रहा हूं दोस्तों, जो आप लोग के 12th क्लास में है, और सत्य इतना एनसीईआरटी पैटर्न लागू है, लेकिन एमपी बोर्ड में, एमपी में एनसीईआरटी पैटर्न लागू है, लेकिन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन कुछ चेंजेस रहते होंगे, ठीक है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश, कई सारे यूपी से स्टूडेंट है दोस्तों, मुझे नहीं पता उनका कौन सा राइटर बुक है और कैसे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मुझे इतना तो जरूर पता है दोस्तों की फार्मूला और नियम कोई चेंजेस नहीं होना, सब वही रहेगा, केवल क्वेश्चन की दोस्तों अंक चेंज रहते हैं और क्वेश्चन चेंज रहते हैं, बाकी नियम वही रहेगा। जैसे यहाँ पर है 7 log x into 10 x, इसको अवकलन करना है, तो अवकलन कैसे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है कि आप तो समझ ही गए, तो लिखने की क्या आवश्यकता, d upon dx लगा दिया,
सेवन लॉग एक्स टेन एक्स। अब यहां पर बताइए सेवन कांस्टेंट है तो सबसे पहले तो सेवन बाहर कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इंटू टेन एक्स। अब क्या करना है दोस्तों, दो फलन है एफ वन और एफ टू, तो क्या करना है आपको, पहला फलन मतलब लॉग एक्स, दूसरे का अवकलन यानी टेन एक्स का अवकलन प्लस दूसरा फलन मतलब टेन एक्स डी अपॉन डी एक्स पहले का अवकलन, पहले का अवकलन करना है इस प्रकार दोस्तों, लॉग एक्स तो लॉग एक्स रहने दीजिए, ठीक है, टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स ही रहने दीजिए, लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका क्या हो गया आंसर, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो बस यहीं पे आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जिससे आपको परेशानी ना हो सके, ठीक है। चलिए इनको हम साफ करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, एक्स के पावर सेवन लॉग ए एक्स। सोचते हो कि यही क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं दोस्तों, आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, जो मल्टीप्लाई मतलब गुणन वाला जो दोस्तों अवकलन है ना, तो आपको जो प्रॉब्लम ना हो सके इसलिए मैं कई क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए एक्स के साथ में अवकलन करने पर तो dy / dx हो जाएगा, d / dx हो जाएगा, x के पावर 7 हो जाएगा, log ax यहां बेस में a। अब पहला फलन दूसरे का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन मतलब log ax पहले का अवकलन, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ये तो दोस्तों क्या है सेवन है तो सेवन ही रहेगा, लेकिन इसका अवकलन मैंने अभी बताया एक बटी एक्स लॉग ए ई, ठीक है ना, इसका अवकलन मैंने अभी बताया, ठीक है, फार्मूला बताया उसी का प्रयोग किया हूं, यहां पर लॉग एक्स बाहर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसका अवकलन डायरेक्ट कर रहा हूं दोस्तों साथ में घटा दो तो छह, ये हो गया क्या आपका आंसर, ठीक है। कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यही पे आपका क्या हो गया आंसर हो, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है। अब एक दोस्तों पुराना रिवाइज करा देते हैं अपन, जैसे आपके पास आ गया कि y इक्वल 3x प्लस 2 का होल क्यूब अपॉन x, इसको क्या करना अवकलन करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब पता है क्या आपको, ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी के आधार पर अपन क्या कर देते हैं दोस्तों सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो तीन का तीन बार तीन त्रिकाई नौ त्रिक 27 एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, फिर थ्री ए स्क्वायर मतलब तीन त्रिकाई नौ एक्स स्क्वायर और तीन से गुणा हो जाएगा दोस्तों तो 18 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद तीन त्रिकाई नौ त्रिक 27 हो जाएगा और बी का मान दो 27 दो 54 तो 54 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54, यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दिया यहाँ पर 3 है दोस्तों और a का मान रखेंगे 3 त्रिकाई 9 9 त्रिक 27 और b का मान रखेंगे 2 तो 27 दूनी 54, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर a का मान 3 और 3 3 त्रिकाई 9 x और b 2 दूनी 4 तो 54 36 तो 36 x हो गया, और b क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया। अब ये आ गया बाई, अब x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष क्या करना है अब तो dy upon dx लगा दें, d upon dx, ठीक है, 27 x cube plus 54 x square plus 36 x plus 8। अब मैंने क्या बोला था, जब भी प्लस में हो या माइनस में तो अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दीजिए, d upon dx 27 x cube, d upon dx 54 x square, d upon dx 36 x plus d upon dx 8। ये हो गया दोस्तों, ऊपर का मैं साफ कर दूं, यदि दिखता हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, 27 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, d upon dx x cube हो जाएगा, यहां पर 54 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d upon dx x square हो जाएगा, यहां पर 36 का मान है बाहर आ जाएगा और x का अवकलन हो जाएगा और 8 अचर राशि है उसका अवकलन हो जाएगा 0। अब दोस्तों 37 तो 37, अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा तो बताइए आप, 3 सामने और 3 में घटेगा 2, ठीक है, 54 है दोस्तों, दो सामने और दो में एक घटेगा तो एक, और x का अवकलन एक होता है, ये 36 हो गया। इतना आ गया दोस्तों, अब आगे आपको करना है, ठीक है, आगे क्या करना है कि 27 का 3 से गुणा करेंगे तो 81 एक्स स्क्वायर, 54 का 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 108 एक्स प्लस 36, यही आ गया आपका dy / dx।
तो क्वेश्चन भी लंबे होते हैं, ऐसा नहीं है, तो आप इनसे डरे नहीं और इस प्रकार के क्वेश्चन आप करते रहे, ठीक है। जैसे एक दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन कि आपके पास क्वेश्चन है 10x प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस 1/2 लॉग एक्स। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, अब एक बार डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं ना, आप सिस्टम विधि तो जानते होंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, टेन एक्स का कलम कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट समझिएगा, टू कांस्टेंट है तो टू सामने ले लिया, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है ना, थ्री है तो थ्री सामने ले लिया, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, 1/2 लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, यही हो गया आपका आंसर। तो अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर चिन्ह लगाएंगे dy / dx, इस प्रकार दोस्तों लंबा प्रोसेस होता रहेगा, तो लंबा प्रोसेस न करके मैंने डायरेक्ट समझा दिया आपको, ठीक है, तो डायरेक्ट में भी आपको क्या होगा बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं दोस्तों, आपको एक फार्मूला लॉग प्रॉपर्टी का पता है और नहीं पता तो समझ लीजिए, लॉग प्रॉपर्टी दोस्तों लॉग m के पावर n, लॉग प्रॉपर्टी में क्या होता है n सामने आ जाता तो n लॉग m हो जाता है, ये लॉग प्रॉपर्टी दोस्तों घातांक का नियम है, लॉग के घातांक का नियम है, तो ये फार्मूला आपको याद है, तो जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया y इक्वल लॉग लॉग x की घात 5, तो अब इसको तो कर नहीं सकते क्योंकि फार्मूला होता नहीं, तो लॉग प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 5 कहां आ जाएगा सामने आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा 5 सामने, क्योंकि लॉग प्रॉपर्टी मैंने बताया जो घात है सामने आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx d upon dx 5 log ex 5 कांस्टेंट है बाहर d upon dx log ex और log ex का दोस्तों 1/x यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो log वाले फार्मूले है ना वो भी आपसे बनने चाहिए, चार फार्मूले हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आज का तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, कई लोग देखते हैं लेकिन बताते नहीं है कि कैसा लगा, अरे कम से कम थोड़ा हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए बताया तो करिए कि कैसा लगा, और लाइक करना तो बनता है, लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।